हेलो, नमस्कार दोस्तों। 21 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ मेंस का क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज जो मेंस का क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो मेनली इलेक्टोरल बॉन्ड से बारे में है। क्वेश्चन ये है कि न्यायपालिका के द्वारा, मतलब हमारी जुडिशियरी के द्वारा इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं, क्या वो स्टेप सही है, यानी आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज है वो करना है। क्वेश्चन है वो आपको 200 वर्ड में अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन है वो वेबसाइट पर मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक्चुअली पुट नहीं कर पाया, तो मैंने आपको बता दी कि क्वेश्चन है क्या। तो आपको वेबसाइट पर क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर कोई आई हो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। इसी के साथ पीडीएफ डाउनलोड का इश्यू था तो मैंने बताया था कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वेलकम UPSC/डाउनलोड के नाम से एक लिंक है, वहाँ से आप जो भी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। और आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट था वो मैंने आपको बता दिया था कि आप किस तरीके से आप आंसर राइटिंग वो अपलोड कर सकते हो। और एटलीस्ट आप प्लीज़ डेली एक आंसर हो जो लिखेगा, 10-15 मिनट का टाइम लगता है, बट ये आपको एग्जाम में बाकी बहुत हेल्पफुल है वो रहेगा। तो चलिए अब खैर चलते हैं आगे डिस्कशन की तरफ। तो आज सबसे पहले जो आर्टिकल है वो मेनली बैंकिंग कार्य प्रणाली के बारे में है कि हमारे देश की बैंकिंग जो कार्य प्रणाली उस पर एक्चुअली सवाल उठाया गया है। तो एम एल GS3 इकोनॉमी के पॉइंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैंकिंग कार्य प्रणाली आती है वहाँ पे। तो देखो आर्टिकल में सबसे पहले ये बताया गया है कि अभी रिसेंटली PNB बैंक का फ्रॉड सामने आया था जिसमें 11,400 करोड़ का फ्रॉड था। तो हमने डिस्कस किया था किस तरीके से फ्रॉड है, वो फ्रॉड को अंजाम दिया गया था। मतलब साफ साफ एक चीज सामने आई थी कि हमारे देश की बैंकिंग कार्य प्रणाली है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बैंकों में जो गफले हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर पा रही है। इसी के साथ अभी रिसेंटली एक नया फ्रॉड और सामने आया, वो है रोटोमेक कंपनी का। रोटोमेक एक पेंसिल बनाने की कंपनी है, उसका एक नया स्कैंडल सामने आया। तो उसके भी 3,600 करोड़ के आसपास का जो केस था वो सामने है। इसकी रोटोमेक कंपनी का केस कुछ इस तरीके से है कि भी इन्होंने पैसा लिया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बट जो पैसा इन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए का उस पैसे का उन्होंने यूज हो दूसरी जगह किया, मतलब राउंड ट्रिपिंग के लिए किया, सेल कंपनियां बनाई या फिर दूसरे जगह इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि आर्टिकल में मेनली बताया गया कि इन्होंने जो पैसा लिया तो लिया था रोटोमेक कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बट इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया ज्वेलरी में, इन्वेस्ट कर दिया या फिर गेहूं के एक्सपोर्ट वगैरह में, पैसा दूसरी जगह लगाया। तो कहीं ना कहीं तो गलत तो है ना। और इसी को लेके बाद में राइटर यहाँ पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि देखो हमारे देश की जो बैंकिंग कार्य प्रणाली है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी तक कि वो ये चीज को आइडेंटिफाई कर सके कि भाई गलती हो आ रही है, जिस भी इंसान ने लोन लिया है, जिस भी कंपनी ने लोन लिया है, वो लोन क्यों नहीं चुका रहा, वो क्या लोन का सही यूज कर रहा है, नहीं कर रहा, गलत जगह तो यूज नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेरर फंडिंग वगैरह में पैसा जा रहा हो। तो वो सारी बात यहाँ पे राइटर सामने उठा रहे हैं। अब देखो राउंड ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे आपको इसको एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं कि जैसे ए है, ये इंडिया का पर्सन है और ये यहाँ पे है सिंगापुर। अब इंडिया का पर्सन है, इसने क्या क्या पैसे, इंडिया का ही पर्सन है और इंडिया से कंपनी से लोन लिया, मतलब इंडिया के SBI से लोन ले लिया इसने, 100 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब क्या करेगा ये पैसा किसी ना किसी थ्रू से ये वहां से सिंगापुर की किसी कंपनी में भेज दिया, सिंगापुर या मलेशिया की किसी कंपनी में भेज दिया। अब इनडायरेक्टली किसी ना किसी मतलब से पेमेंट का वो भी कोई भी मेथड हो सकता है, मतलब पैसा उन्होंने भेज दिया यहाँ पे। अब आपको पता है कि वहाँ पे टैक्स वगैरह काफी कम होता है, तो उस चक्कर में इंडिया के अंदर जो सिंगापुर मलेशिया की कंपनी होती है उनको छूट दी हुई होती है कि भाई उनको टैक्स वगैरह कम, टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, उनको XG टैक्स पे करना होता है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए इस मासे ने क्या किया, वापस पैसा है इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि पैसा था वो इंडिया का ही पैसा था, बाहर गया और इंडिया में इन्वेस्ट होगा, तब इंडिया में किस तरीके से वो पैसा दिखेगा, इंडिया में तो वो पैसा ऐसा दिखेगा ना कि भाई फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आई है, जबकि फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा इंडिया का ही था, घुमा फिरा के इंडिया में इन्वेस्ट किया गया। तो ये होती है राउंड ट्रिपिंग। और इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, इसका यूज मेनली सेल कंपनियों के थ्रू किया जाता है कि भाई कोई फर्जी कंपनी बना देती है। सेल कंपनी वो कंपनी होती है जो कि मेनली एक्टिव फॉर्म में नहीं होती है, रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट के तहत ही होती है, दिखने में कोई ऐसा नहीं है कि सेल कंपनी कोई अनोखी होती है, हाथ पैर कुछ नहीं होते, मतलब सेम जो नॉर्मल कंपनी होती है उसी तरीके से होती है, बट वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती है, उसको कार्य प्रणाली नहीं होती है, केवल उसका यूज वो पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए, धांधलीबाजी करने के लिए किया जाता है, तो वो कहलाती है सेल कंपनी। वैसे इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन है वो कंपनी एक्ट 2013 में है नहीं। तो अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो हमारे देश का जो इंटरनल कंट्रोल जो प्रणाली है, इंटरनल कंट्रोल जो मैकेनिज्म है बैंकों की, वो कहाँ गई, वो सारी धरी की धरी रह गई है। और जो सारे बैंक की जो जो भी RBI की भी जो प्रक्रिया है वो भी सारी की सारी यहाँ पे सामने दिख रही है, हवा निकलती हुई दिख रही है। क्योंकि देखो जो RBI वो भी बड़े बड़े दावों करता है कि हम बैंकों को कंट्रोल करते हैं, हम NPA को कंट्रोल करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो रोटोमेक कंपनी के जो मालिक थे जिन्होंने लोन लिया था, इनको 2015 में डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था। तो आप देख सकते हो कि 2015 में इनको डिफॉल्टर घोषित किया गया और
अब जाके केस सामने आए। तो जब 3-3 साल में जब केस सामने आ रहे हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश की बैंकिंग कार्य प्रणाली है उसमें भी काफी कमी है, और इसके साथ आरबीआई है वो भी इसे कंट्रोल है वो नहीं कर पाई है। तो एक चीज सामने ये आ रही है कि देखो अकाउंटेबिलिटी है वो भी सुनिश्चित नहीं है बैंकों की, इसी के साथ ग्राउंड लेवल पे काम वो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। मतलब हमें पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होगा, पॉलिसी को रियल लाइफ में ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना होगा और उसका रिजल्ट देखना होगा कि भाई ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से पॉलिसी काम कर रही है, वहाँ कौन सी कमियाँ आ रही है, मतलब कौन सी प्रॉब्लम्स का उन्होंने सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी लानी होगी कि भाई कोई भी जो भी कंपनी मतलब बैंक का एम्प्लॉय वो भी एक तरीके से गफलेबाजी धांधलीबाजी ना कर सके। जिस तरीके से पीएनबी के फ्रॉड में देखा गया था कि पीएनबी का ही एक कर्मचारी था, उसने फर्जी तरीके से एलओयू थे वो ज्वाइन की एलओयू है वो ज्वाइन किए मतलब जारी किए थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बात आती है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट भी फेल होता सामने आ रहा है। इसी के साथ बाद में राष्ट्र में राइटर है कॉन्क्लूजन में ये कह रहे हैं कि देखो सरकार को भी साथ आना होगा, आरबीआई को भी और न्यायपालिका जुडिशरी, मतलब सरकार आरबीआई और जुडिशरी तीनों को साथ मिलकर आना होगा तभी हमारे देश की बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म आ सकते हैं। अदरवाइज तीनों साथ नहीं आएंगे तो इसकी कीमत है हमें फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ी कीमत होगी, तो उसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को बहुत नुकसान है वो पहुंच सकता है। तो गवर्नमेंट को अभी टाइम है, न्यायपालिका के लिए भी समय है कि भी सही टाइम पे फायदा उस चीज़ का मतलब सही टाइम पे स्टेप उठा ले जाए, अदरवाइज फिर हमारे देश के सभी लोगों को भारी कीमत है या हमारे देश की इकोनॉमी को भारी लॉस हो सकता है। ये था आर्टिकल, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेरे लिए पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में है, जो कि GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अभी हमने 2-3 दिन पहले ही पॉलिटिकल फंडिंग के बारे में एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि किस तरीके से जुडिशरी ने पॉलिटिकल फंडिंग के लिए नए स्टेप उठाए हैं वो सब, तो वो बातें यहाँ पे बताया गई, इसमें एक दो पॉइंट नहीं है। देखो अभी जुडिशरी ने 2001 के टाइम पे नए स्टेप ये उठाए थे कि भाई कोई भी जो कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसको अपनी इनकम के बारे में बताना होता है कि भाई ये मेरी इतनी इनकम वगैरह ही है। बट अभी रिसेंटली जुडिशरी ने ये कर दिया कि आपको इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम वो भी बताना होगा, मतलब आपको ये इनकम हो कहाँ से रही है, कि ऐसा तो नहीं है कि आप कोई फर्जीबाजी कोई धांधलेबाजी कर रहे हो या फिर कोई स्मगलिंग कोई गलत काम कर रहे हो, आपको अपनी इनकम का सोर्स बताना होगा कि हाँ भाई मेरी खेती से इनकम हो रही है या फिर मेरी कंपनी है किस चीज़ से आपको इनकम हो रही है, तो सोर्स ऑफ इनकम। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है कि जो जुडिशरी मतलब हमारी न्यायपालिका है उसने कैंडिडेट के लिए तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, मतलब भाई कैंडिडेट फर्जी काम नहीं कर सकता है, कैंडिडेट के लिए तो काफ़ी नई पॉलिसी है, नए रूल्स रेगुलेशन आए हैं। बट जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके फंडिंग के लिए कुछ खास नहीं हुआ है कि भाई पॉलिटिकल पार्टियाँ जो फंडिंग लेती है उनका क्या है, उनके बारे में जुडिशरी ने कोई खास स्टेप नहीं उठाया। मतलब जुडिशरी ने क्रम जो प्रॉपर कैंडिडेट है इंडिविजुअल कैंडिडेट उनके लिए तो स्टेप उठा लिया है कि भाई हाँ कैंडिडेट है वो साफ सुथरे होने चाहिए दूध के धुले हुए, बट जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी फंडिंग आती है उसके बारे में कोई स्टेप नहीं उठा रखा है। अब देखो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट ईयर के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई थी, अब आप जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में हमने डिस्कस भी किया था कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रांसपेरेंसी आने की बजाय ट्रांसपेरेंसी जा हो रही थी, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन आदमी पैसा दे रहा है कौन पैसा नहीं दे रहा, तो ये भी इसमें अगर पैसा गुप्त हो रहा है तो उसका मतलब पक्की धांधलेबाजी हो रही है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जितनी पारदर्शिता थी ना वो और चली गई। दूसरी बात है कि पार्टी के पास ये तो पता होना चाहिए ना लोगों को या सभी को कि भाई पार्टी के पास पैसा आ कहाँ से रहा है, हो सकता है कोई फॉरेन से कोई इलीगल मतलब कोई फॉरेन की पार्टी इंडिया को पैसा दे रही, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही हो, तो हो सकता है कि वो फॉरेन की जो पार्टी वो फिर उसको मिसयूज करे अपने राइट्स का अपनी पावर का मनमाने ढंग से यूज करवा सकती हो, तो कहीं ना कहीं तो गलत है ना। तो इस आर्टिकल ये कह रहा है राइटर मतलब इस चीज को फोकस कर रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा आ कहां से रहा है वो इंपॉर्टेंट है, इस चीज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो लगानी चाहिए। अब यहाँ पे फिर डिस्कस किया गया कि अभी जुडिशरी के द्वारा नए स्टेप ही लाया गया था कि भाई 2000 से ज़्यादा की जो भी डिजिटल पेमेंट है 2000 से ज़्यादा का जो भी पेमेंट है पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की जाएगी वो डिजिटल माध्यम से की जाएगी। तो राइटर कह रहे हैं चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं कि 2000 से ज़्यादा अगर किसी को भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देनी है तो उसे डिजिटल पेमेंट से ही करनी पड़ेगी, कैश से वो नहीं कर सकता। बट राइटर ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी थोड़ी कि सभी 2000 की फंडिंग दिखाएंगे, जैसे कि फर्जी नाम सोच के दिखा। अब देखो पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या करेंगी, पॉलिटिकल पार्टी तो ये करेंगे कि अच्छा एक जैसे कि इसको हम थोड़ा इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास जो मैक्सिमम फंडिंग है ना वो देखो जनता से नहीं आती है, मैक्सिमम जो फंडिंग आती है वो आती है कॉर्पोरेट ग्रुप से, क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रुप्स का देखो अपने हित होते हैं, रियल बात तो यही है कि कॉर्पोरेट ग्रुप से ज़्यादा इनको फंडिंग आती है। बट वो पॉलिटिकल पार्टियाँ दिखाती नहीं है कि भाई इस कॉर्पोरेट कंपनी ने मुझे इतना दिया, पॉलिटिकल जैसे कॉर्पोरेट पार्टी ने दिया है 100 करोड़ रुपये की फंडिंग तो वो दिखाती है कि इस पार्टी ने तो मुझे 50 करोड़ रुपये दिए हैं, बाकी ज़्यादा नहीं दिखाते, क्योंकि देखो उनके पास ही ब्लैक मनी होती है तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का चक्कर होता है। तो फिर करते हैं क्या पॉलिटिकल पार्टी ये करती है कि 50 करोड़ रुपये जो बच गए ना
इनका क्या फर्जी नाम ना देती है कि ये पैसे मुझे राम से मिले, ये मुझे श्याम से मिले, ये मोहन से मिले, ये मुझे सलीम से मिले, ये मुझे इससे मिले, मतलब फर्जी झूठे नाम बना दिए, ऐसे हजारों नाम बना देते हैं, हजारों लाखों नाम, और उनके नाम पर दिखा देते कि भाई इनसे फंडिंग आई है, जबकि रियल लाइफ में वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, फंडिंग को मतलब जो फंडिंग के जो रूल रेगुलेशन है इनको दुरुपयोग करती है। अब देखो क्या दिखा देंगे, वो 2000 से तो ज्यादा की लिमिट लगा दिया गवर्नमेंट, तो क्या करेंगी, दिखा देंगे भाई 1900 रुपये राम से मिले हैं, 1900 रुपये शाम से मिले हैं, 1500 रुपये मेरे को सलीम से मिले हैं, 200 रुपये मुझे इससे मिले हैं, 200 रुपये मुझे मोहम्मद से मिले हैं, ऐसे फर्जी फर्जी झूठे नाम लगा के इस तरीके शो कर देंगे, जबकि रियल में आपको पता है वो पैसा क्या है, वो पैसा ब्लैक मनी है, वो है कॉर्पोरेट ग्रुप से। तो ये बात रेटरिक करें कि जो ट्रांसपेरेंसी थी वो है ही नहीं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को एक जो मतलब सुप्रीम कोर्ट को हमारी ये स्टेप उठाना चाहिए कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिल रही है ना इस पर एक्चुअली लगाम लगानी है। इसी के बाद में एक रूल ये था कि भाई 20,000 से ज्यादा की अगर कोई भी फंडिंग दी जा रही है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो इसको इनकम टैक्स के बारे में पूरी डिटेल देनी होगी कि भाई इस आदमी ने मुझे पैसा दिया है। बट इसमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि वो बात है कि फर्जी नाम दिखा देती हैं पॉलिटिकल पार्टियां कि हमें तो किसी ने 20,000 रुपये का चंदा दिया ही नहीं, मतलब मैक्सिमम यही करते हैं, जैसे 100 लोगों में से 80 लोगों को दिखाते हैं कि भाई इन्होंने तो मेरे को हम कम मतलब इन्होंने ही पैसे दिए, वो दिए 1500 रुपये 1600 रुपये ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बाद में यहाँ पे राइटर एक चीज एक सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो एक रूल ये था पहले कि जो भी कॉर्पोरेट ग्रुप्स है ना इनको एक्चुअली अपनी लास्ट 3 साल का जो भी रिवेन्यू होता है उसका 7.5% एवरेज होता है उस तक ही केवल वो फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। जैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर 100 करोड़ रुपये की इनकम है लास्ट 3 साल का एवरेज देखा जाए तो उसका केवल 7.5% जो पैसा है वो ही केवल वो फंडिंग के रूप में दे सकते हैं। ऐसा पहले रूल इसलिए था ताकि देखो क्या है कि कई बार जो पॉलिटिकल पार्टी है ना वो जो भी कंपनी वगैरह होती है उसको हरासमेंट मतलब परेशान करती थी कि भाई अच्छा अगर ऐसा वो सत्ता में आ गई तो कहती कि अच्छा उस पार्टी को तो पहले वाली पार्टी को तो आपने इतना फंडिंग दिया था हमें इतनी फंडिंग क्यों दे रहे हो, तो मतलब उनको कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन में फंसाती रहती थी। तो इसलिए ये पहले रूल था, बट अभी राइटर ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के जो इलेक्शन लास्ट ईयर के जो बजट आया था उसमें ये रूल भी चेंज कर दिया गया कि भाई अब कोई लिमिट नहीं है, जितनी कंपनी चाहे उतनी पैसा दे सकती है। तो इसका तो मिसयूज साफ साफ होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जो भी कंपनी है उसको बोलेंगे कि भैया आप इतना चंदा दो अदरवाइज हम आपके अगेंस्ट जो रूल रेगुलेशन वो बनाएंगी, तो इससे तो जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं इनका हरासमेंट होगा, उनको काफी नुकसान होने वाला है, तो जो ट्रांसपेरेंसी थी वो जा हो रही है। तो बाद में लास्ट में राइटर साहब यही कह रहे हैं कि देखो न्यायपालिका को स्ट्रॉन्ग एक्शन वो लेना होगा और जो भ्रष्टाचार की जो रियल जड़ है वो पॉलिटिकल पार्टियों की फंडिंग ही है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो मतलब हमारी जो अब उसको सुप्रीम कोर्ट को स्टेप उठाने होंगे, क्योंकि देखो जब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग है उस पर लगाम लगाया जाए, इस पर जो अवैध तरीके से जो फंडिंग होती है उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी टॉपिक होता है, वहां पे भी इस आर्टिकल का यूज है वो हो सकता है। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से एक इंसान का दिमाग है वो सोचता है कि हाँ भाई अब मुझे खाना खाना है, इस तरीके जो भी कोई व्यक्ति होती है कि हाँ अब ये प्रोसीजर करनी है, खाने के बाद मुझे उठना है, ऐसे बैठना है, प्लेट को छूना है, इस तरीके जो भी काम करने हैं, तो जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है अगर उसी कैपेसिटी को अगर मशीन में डेवलप कर दिया जाए तो वो कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि रोबोट है, अब रोबोट खाना लेके इधर जा रहा है उधर जा रहा है, रोबोट को ये पता है कि ये गाड़ी बनानी है मेरे को, ये काम करने हैं, तो ये क्या है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक प्रकार है। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफी नेगेटिव पॉइंट दिए जाते हैं कि भाई देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नुकसान ये हो जाएगा कि एक से एक एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स वगैरह वो इंसान को कंट्रोल करने लग जाएंगे, बट राइटर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि इंसान का दिमाग है, एक लिमिट के बाद जो मशीन है वो इंसान के दिमाग को कंपेयर नहीं कर सकती। हाँ कुछ जगह ऐसा मान सकते हैं कि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज बहुत ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू इंसान के, जैसे कि मेडिकल में सर्जरी वगैरह हो या फिर रिसर्च वगैरह के सेक्टर में या फिर साइंस के सेक्टर में, जैसे इसरो वगैरह कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है, किसी रोबोट को भेजती है मून वगैरह पे, वहां पे तो ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है वो बढ़ सकता है, बट बाकी सभी केसेस में ऐसा नहीं है कि वो इंसान से भी आगे जा सकती हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा डाटा दिया गया है कि देखो जिस तरीके से अभी रिसेंटली डाटा जारी किया गया उससे ये पता चला है कि 2021 तक जो 5 मेन कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, अप्रोक्सीमेट $57.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है 2021 तक ये 5 कंपनियां। कौन कौन सी 5 कंपनी है, एक तो गूगल की पेरेंट कंपनी है जो है कि अल्फाबेट, दूसरी है अमेजोन, तीसरी है एप्पल और चौथी है फेसबुक और पांचवी है माइक्रोसॉफ्ट। तो राइटर कह रहे हैं कि ये कंपनियां इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं तो इसका मतलब एक चीज साफ है कि इन कंपनियों को यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, मतलब
ये कंपनियां साफ साफ समझ रही हैं कि भाई इस एरिया में हमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इस एरिया में ज्यादा स्कोप है, इसलिए हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये देखो उसी तरीके का मेथड है जिस तरीके से 1980-90 का दशक था, उस टाइम पे क्या था, 1980-90 के दशक में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सेकंड फेज चला था, थर्ड फेज स्टार्ट हो गया था सॉरी। तो उस फेज में क्या हुआ था, उस फेज में हुआ था कि जो डेवलप कंट्री थी उनके पास तो इन्वेस्टमेंट का मतलब डेवलप कंट्रीज के अंदर तो पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फायदा था नहीं, क्योंकि वहां पर तो रिटर्न ज्यादा हो नहीं रहा था। तो इसलिए जो कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाए। तो इसीलिए उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन जो रूल थे मतलब एलपीजी रिफॉर्म थे वो लेके आ गए थे, और उसके तहत इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म आए थे। तो उसमें हुआ क्या था कि फॉरेन की काफी सारी कंपनियां थी वो डेवलपिंग कंट्रीज में आके पैसा इन्वेस्ट करने लगी थी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ आया है कि भाई जो उस टाइम पे तो क्या था, डेवलप कंट्रियों को पैसा दिख रहा था, प्रॉफिट दिख रहा था कि भाई अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और सेम आज वही हाल है कि इन पांचों कंपनियों को पता है कि अगर फ्यूचर में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने वाला है, और इसीलिए कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही है। अब देखो सवाल ये आता है कि अमेजोन वगैरह जो कंपनियां हैं ये डाटा कहाँ से लेके आती है, मतलब इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर्म आती किस तरीके से। तो ये देखो जो कंपनी है ना ये मेनली डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का यूज करती है, मतलब जो डिजिटल एड चलते हैं जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं ना, इन सारे एडवर्टाइजमेंट का ही यूज करती है। तो इसकी वजह से गूगल और फेसबुक को सबसे ज्यादा रिवेन्यू वो कमा रही है। और आज का जो जमाना है ना वो डाटा के जमाने के, किसके पास कितना डाटा है वही कंपनी ज्यादा सुप्रीम मानी जाती है, क्योंकि देखो जिसके पास जितना ज्यादा डाटा है अगर उसको प्रॉपर ढंग से एनालाइज कर रही है तो इसका मतलब वो उसको सही ढंग में यूज कर सकता है। जैसे कि कंपनी है फेसबुक वगैरह क्या करती है, ये जो आप एग्जाम्पल ले लो अमेजोन का ही, कि अमेजोन कंपनी है फ्लिपकार्ट ये मेनली क्या करती है कि भाई कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट सर्च किया तो उसको देखते हैं कि अच्छा इस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट सर्च किया, तो फिर उसी के रिलेटेड वो प्रोडक्ट के डिटेल्स वगैरह उसको रेंडमली शो करती रहती है। अलग वेबसाइट पर अगर वो कहीं दूसरी वेबसाइट भी विजिट करता है तो उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट उसके पास आते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक रूप है, मतलब आज के जमाने में क्या करती है कंपनियां बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लेती हैं और फिर उसी डाटा को एक एल्गोरिदम के तहत यूज करती हैं, और उसके बाद उसका बेनिफिट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फॉर्म में किया जा रहा है। अब देखो एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन कंपनियों के पास डाटा आता कहां से, भाई कितना सारा डाटा, ये तो है नहीं कि ये कंपनियां सारा खुद जनरेट करती हैं। तो इनके पास जो डाटा आता है वो आता है हमारे से, मतलब कस्टमर है वो इनको डाटा प्रोवाइड करता है। किस तरीके से, कस्टमर ने कोई भी चीज गूगल पे सर्च की जैसे कि भाई हाउ टू क्रैक यूपीएससी कुछ भी सर्च किया तो उसके बारे में गूगल को पता चलेगा कि भाई इस इंसान ने ये चीज़ सर्च की है तो उससे फिर रिलेटेड वो चीज़ें दिखा रहा है। फिर हमने कोई भी चीज़ डाली कि भाई यूपीएससी के किसी बंदे ने डाल दी कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो इस तरीके से गूगल के पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है। फिर उसी इन्फॉर्मेशन का गूगल है वो यूज़ करता है एल्गोरिदम बनाने में, और फिर ये जो एल्गोरिदम है इसका यूज़ होता है ऑटोमेशन में। अब यहाँ पे बात आती है ऑटोमेशन की। अब देखो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो जिस तरीके से भी ऑटोमेशन बढ़ रहा है ना तो उसकी मेन जिम्मेदार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसे काम ही हो गया है कि इंसान की जरूरत तो रही नहीं है, जो फैक्ट्रीज हैं वो 24/7 काम करने लगी हैं, वहाँ पे वर्कर्स की जरूरत ही नहीं होती, केवल एक या दो वर्कर्स ही पूरी लाइन को असेंबली लाइन को संभालते रहते हैं। तो इससे साफ साफ ये दिख रहा है कि लोगों की रोजगार वो जा रही है। देखो एक लिमिट के बाद कहा जाता है कि जो ऑटोमेशन सेक्टर की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बट आप ये देखिए कि जितनी जॉब क्रिएट की जा रही थी पहले उतनी जॉब तो नहीं रहेंगी ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलो रिसर्च करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होगी, बट ऐसा थोड़ी है कि जितने लोग रिसर्च करेंगे उन सबको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बार डेवलप कर ली, जैसे कि किसी ने एक मशीन बना दी तो एक मशीन बन गई फिर तो एट बहुत टाइम तक काम करती रहेगी, तो उसे तो बाकी लोगों का रोजगार वो छीन जाएगा ना। तो ऑल ओवर बात ही होने वाली है कि जो लोगों का रोजगार है वो खत्म हो जाएगा और फिर ये कुछ कंपनीज है इनकी मोनोपोली हो जाएगी, ऐसा राइटर कह रहे हैं। मतलब लोगों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा और लोग केवल कुछ चुनिंदा कंपनी है उन्हीं के अंडर काम करने लग जाएंगे। फिर इसी के बाद में इलोन मस्क के बारे में कहा जाता है, जो कि टेस्ला कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी है उसके मालिक है, और जो स्पेसएक्स जो कंपनी है उसके मालिक है इलोन मस्क। तो उन्होंने भी एक चीज ये कही थी कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट है वो लेके आना होगा। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि भाई देखो आज के टाइम पे जो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ना सारा डाटा उन्हीं के पास है और वो एक तरीके से ऑटोमेशन की तरफ फोकस कर रही है ज्यादा, तो होगा क्या फ्यूचर में, मतलब इनकी एक तरीके से मोनोपोली हो जाएगी, तो उस कंडीशन में जो हमारे सोसाइटी में एक इनइक्वलिटी वो और बढ़ जाएगी, मतलब लोगों के पास असमानता बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग अपना जीवन यापन वो किस तरीके से करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए ताकि सभी लोगों के पास पैसा रहे तो अपनी जो आजीविका है वो लोग चला सकें। इसी के बाद में बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो देखो राइटर ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फायदा ना सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि देखो जो हम लोग हैं हम लोग ही गूगल यूट्यूब वगैरह को डाटा है वो प्रोवाइड करते हैं, तो गूगल और यूट्यूब वगैरह इन कंपनीज को हमें भी कुछ कंपनसेशन या मुआवजा वो देना चाहिए ताकि हम भी डाटा उनको और अच्छा प्रोवाइड करें और हमें भी एक्चुअली फायदा हो सके और जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वलिटी वो दूर होगी। क्योंकि जब ये कंपनीज अगर जो भी कस्टमर को डाटा कस्टमर को अगर कुछ पे करेंगी या कस्टमर को कुछ मुआवजा देंगी तो उससे कस्टमर को भी प्रोत्साहन मिलेगा और कस्टमर इनको अच्छी क्वालिटी में डाटा है वो प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वजह से इन कंपनीज फायदा होगा और जो कस्टमर है उसको भी फायदा होगा, तो मतलब दोनों को फायदा होने वाला है। तो ये थी इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं।
अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेरी मालदीप के बारे में है। तो मालदीप के साथ ये जो भी रिसेंटली अब्दुल्ला नासिद है उनके साथ इंटरव्यू लिया गया, जो कि मतलब मालदीप के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके साथ। तो इस इंटरव्यू के दो तीन पॉइंट हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें मेनली ये कहा गया है कि भाई देखो, इन्होंने जो ये अब्दुल्ला नासिद है इन्होंने ये कहा है कि हमने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी भाई वो गन बॉर्डर डिप्लोमेसी का यूज करे। गन बॉर्डर डिप्लोमेसी का मतलब है कि इंडिया है वो वहां पे एक्चुअली मालदीप में जाए और फिर वहां पे फोर्स वगैरह का यूज करे ताकि वहां पे शांति स्थापित की जा सके और वहां पे जो संवैधानिक क्राइसिस आ चुके हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो भी इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमारा मतलब ये था कि भाई आप लड़ाई वॉर नहीं करना है, हमारा मतलब ये था कि आप वहां पे डिप्लोमेसी थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लो, कड़े एक्शन लो मालदीप के खिलाफ, ताकि वहां के जो सरकार या वहां के जो अभी प्रेसिडेंट है रिसेंटली अब्दुल्ला अमीन वो एक तरीके से वहां पे जो अपनी मनमर्जी करें वो ना कर सके। इसी के साथ ही देखो इन्होंने ये कहा है अब्दुल्ला नासिद ने कि भाई अभी मालदीव में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि मालदीव में आतंकवाद है वो लगातार बढ़ रहा है, इसी के साथ वहां पे जो इस्लाम की जो नेरो व्यू है वो उस लोगों को शो किया जा रहा है जो कि काफी गलत है। इस्लाम का जो नेरो व्यू अगर कहीं लोगों को प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो लोगों को ISIS की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो भी नुकसानदायक है। इसी के साथ मालदीव में काफी ज्यादा चाइना की प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है, तो अगर एक कंट्री में दूसरी कंट्री की प्रेजेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक कंट्री की सॉवरेनिटी उसको नुकसान होने वाला है। तो राइट, ये इनका ऐसा कहना है कि भाई मालदीव की सॉवरेनिटी को नुकसान होने वाला है क्योंकि चाइना की प्रेजेंस है वो लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। इसी के बाद में बात ये आती है कि 2007 फिर थोड़ा डाटा दिया गया है कि 2007 के बाद चाइना की प्रेजेंस है वो मालदीव में लगातार बढ़ रही है। तो ये इसमें कुछ बेसिक पॉइंट है। तो देखो मेनली फिर राइटर है इसमें एक बात ये भी कह रहे हैं कि भाई जो अब्दुल्ला यामीन है जो कि भी रिसेंटली प्रेसिडेंट है वहां पे, इसी के साथ जो मोहम्मद नासिद है जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, मतलब पहले प्रेसिडेंट थे वो अब्दुल्ला नासिद, तो राइटर कह रहे हैं कि ये दोनों ही हैं, दोनों ने पहले चाइना कार्ड खेला था इंडिया के खिलाफ। जब मोहम्मद नासिद थे तो इन्होंने भी इंडिया के खिलाफ चाइना कार्ड खेला था, जब 2007 के टाइम पे मोहम्मद नासिद सत्ता में थे, तो ऐसे नहीं कि इन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया था। आज तो इंडिया के सपोर्ट की मांग कह रहे हैं कि भाई इंडिया सपोर्ट करे इनको, बट 2007 के टाइम पर जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने भी चाइना कार्ड खेला था, मतलब इन्होंने भी चाइना का फेवर लिया था, और आज जो अब्दुल्ला अमीन है वो भी चाइना का सपोर्ट ले रहे हैं। तो आज राइटर ये कह रहे हैं कि जो अब्दुल्ला नासिद है वो चाइना का सपोर्ट इसलिए नहीं ले रहे आज, वो इंडिया का सपोर्ट इसलिए लेना चाह रहे है क्योंकि देखो जो अब्दुल्ला नयामीन है जो कि भी रिसेंटली प्रेसिडेंट है वो खुद ही अगर चाइना का कार्ड खेल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि भाई हम दूसरी कंट्री का सपोर्ट लो ताकि मुझे ज्यादा पॉपुलरिटी मिले। तो राइटर ये कह रहे हैं कि इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच है वो लेके चलनी होगी। तो ये थे इस आर्टिकल के जो पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। क्वेश्चन है वो आपको वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके साथ जो वेलकम यूपीएससी का फेसबुक पेज है वहां से भी आप क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।